नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में महसूस हुए भूकंप के झटके, राजगीर घूमना हुआ महंगा, दूसरे राज्यों से शराब लेकर आना होगा नामुमकिन। इस दिवाली लोकल फॉर वोकल को प्राथमिकता, स्कोर इंजीनियर गिरफ्तार। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में महसूस हुए भूकंप के झटके, पटना में आज भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि पटना, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया सहित नेपाल से सटे कई जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं यूपी के गोरखपुर सहित कई जिलों में भी यह झटके लोगों ने महसूस किए। भूकंप को लेकर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जो ताजा जानकारी साझी की है, उसके मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल काठमांडू से 66 किलोमीटर पूर्व में पाया गया है। दोपहर 2:52 पर भूकंप का झटका आया है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 पाई गई है। राजगीर घूमना हुआ महंगा। बिहार के राजगीर में नेचर सफारी और जू सफारी घूमने जाने वालों की योजना बना रहे हैं, तो अब इसके लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। बिहार पर्यटन विभाग ने राजगीर में नेचर और जू सफारी के टिकटों की दरों में बदलाव कर दिया है। अब नेचर सफारी के लिए प्रति व्यक्ति 150 रुपए देने होंगे, जबकि इससे पहले 50 रुपए लिए जाते थे। इसी प्रकार ग्लास स्काई वॉक और सस्पेंशन ब्रिज का आनंद लेने के लिए पर्यटकों को 135 रुपए और 125 रुपए की जगह 150 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। बता दें कि जू सफारी में बच्चों के प्रवेश के लिए 100 रुपए कर दिए गए हैं। वहीं नेचर सफारी में मंगलवार से टूरिस्टों के लिए प्रति व्यक्ति 600 रुपए का पैकेज शुरू किया गया है। इस पैकेज में नेचर सफारी का प्रवेश शुल्क के अलावा ग्लास स्काई ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जिप लाइन, जिप वाइकिंग, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग की सुविधाएं एवं बैटरी चालित वाहन शुल्क सम्मिलित है। स्कूल में फीस के बदले प्लास्टिक कचरा। बिहार के गया जिले में बोधगया स्थित सेवा बिग्घा में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों से फीस नहीं ली जाती है, बल्कि फ्री पढ़ाई के बदले बच्चों को अपने घर से प्लास्टिक का कचरा लेकर आना होता है। बच्चे घर से लाए कचरे को स्कूल के गेट के पास रख डस्टबिन में नियमित रूप से डालते हैं। बता दें कि यह पहल पद्मपानी नाम के स्कूल ने शुरू की है। दरअसल स्कूल के द्वारा ऐसी पहल करने के पीछे यह भी कहा जाता है कि यह विद्यालय बोधगया इलाके में है, जहां प्रतिदिन हजारों संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बोधगया का इलाका स्वच्छ एवं सुंदर दिखे, साथ ही प्लास्टिक पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है और इसमें जलवायु परिवर्तन होता है, लिहाजा प्रदूषण को कम करने के लिए विद्यालय के द्वारा ऐसी पहल की गई है। कचरा बेचकर जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे को बच्चों की पढ़ाई, खाना, कपड़ा और किताबों पर खर्च किया जाता है। दूसरे राज्यों से शराब लेकर आना होगा नामुमकिन। बिहार में दूसरे राज्यों से अवैध रूप में शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए मदद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग अभियान में जुट गया है। इसके लिए सबसे पहले अंतरराज्यीय सीमाओं से लगने वाले इलाकों में निगरानी मजबूत करने की कवायद की जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव दूसरे राज्यों की सीमाओं पर स्थित चेक पोस्टों को लेकर की गई है। बता दें कि विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर 21 जिलों में बिहार को छूने वाली दूसरे राज्यों की सीमाओं के पास 50 से अधिक नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इसके साथ ही अंतर राज्य सीमाओं पर पहले मात्र 13 चेक पोस्ट थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर 64 कर दी गई है। इन 21 जिलों में गोपालगंज व किशनगंज में सबसे अधिक 13 चेक पोस्ट बने हैं। बिहार में 18 पुलिस वालों का तबादला। बिहार सरकार ने बीते मंगलवार की रात को 18 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें 13 अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा के और 5 बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि पूर्णिया में जमालपुर के रेल SP हामिद जावेद को नया SP नियुक्त किया गया है, जबकि गृह विभाग में विशेष सचिव और चर्चित अधिकारी विकास वैभव को IG होमगार्ड और फायर ब्रिगेड बनाया गया है। उनकी जगह KS अनुपम को गृह विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। कई जिलों में नए SDO DDC की नियुक्ति भी की गई है, जिसमें समीर सौरभ, कुमार अनुराग, सौरभ सुमन, नमीन कुमार, विक्रम वीरकर, दीपक मिश्रा, श्रेष्ठ अनुपम, प्रदीप सिंह, चंद्रिमा अत्री और अनुपा सिंह शामिल है। इस दिवाली लोकल फॉर वोकल को प्राथमिकता। इस दिवाली पर लोकल फॉर वोकल को तरजीह देने की कवायद आम लोगों ने शुरू कर दी है। इस कड़ी में कुम्हार खूब उत्साहित है, क्योंकि उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद को काफी पसंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ बाजार में दुकानदार भी मिट्टी के दिए को बढ़ावा दे रहे हैं। कुम्हारों से भारी मात्रा में ऑर्डर भी मिल रहा है। एक ओर मूर्तिकार व उनके परिवार के सदस्य मूर्ति और दिए बना रहे हैं, तो दूसरी ओर उनसे बाजारों के दुकानदार बड़े पैमाने पर दिए खरीद रहे हैं। कारगिल मिट्टी से
बनाने वाले दीप और खिलौने समेत अन्य उपकरणों को नए नए डिजाइन के रूप में दे रहे हैं। कारगिल द्वारा तैयार कच्चे बर्तनों पर रंग से बारीक कलाकृति उकेरा जा रहा है। चाइनीज सामानों को हम जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। घुसखोर इंजीनियर गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना में घुसखोर इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि निगरानी विभाग की टीम ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार को रंगे हाथों पटना कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इनके द्वारा काम के एवज में घूस की मांग की गई थी। दरअसल निगरानी विभाग को परिवादी ने शिकायत की थी कि उनसे घूस की मांग की जा रही है, जिसके बाद मामला दर्ज कराया गया और सत्यापन में सही पाए जाने के बाद आज रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। बिहार के मौसम में बदलाव का क्रम जारी है। मौसम विभाग के पटना केंद्र ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में राज्य का आसमान साफ और मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में अगले 5 दिनों तक पछुआ का प्रवाह जारी रहेगा। पछुआ बहने के कारण राज्य का मौसम शुष्क हो गया है। शुष्क हवा के कारण दिन एवं रात में तापमान में अंतर देखा जा रहा है। सूर्यास्त के बाद ही तापमान में गिरावट शुरू हो जाता है, जो सुबह तक जारी रहता है। वातावरण में ठंड बढ़ने के कारण पारा में और गिरावट आने की आशंका है। पिछले 24 घंटे में खगड़िया 34.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस के साथ पूसा में रहा। इसके साथ ही राजधानी में न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। छठ घाटों पर डेंगू जांच के लिए लगाए जाएंगे विशेष कैंप। जिले में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों में बुखार के जो मरीज आ रहे हैं उनकी डेंगू जांच कराने को कहा गया है। वहीं आशा को दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों की सूचना देने को कहा गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग इस बार छठ घाटों पर डेंगू जाँच के लिए विशेष कैंप लगाएगा। इस कैंप में विशेषकर उन लोगों को डेंगू जाँच की जाएगी। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के छठ घाटों पर ANM APSC के डॉक्टर आशा की मदद से विशेष हेल्थ कैंप का आयोजन करेंगे। इसमें किट से डेंगू की जांच करनी होगी। सिविल सर्जन ने PSC प्रभारियों को इसका निर्देश जारी किया है। शहर के सीरी घाट, अखाड़ा घाट, आश्रम घाट पर विशेष मेडिकल टीम व एम्बुलेंस की सुविधा भी रहेगी। बिहार में बिजली कंपनियों ने की वसूली तेज। बिहार में बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में 1,20,00,000 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा किया है। विगत वित्तीय वर्ष की छमाही की तुलना में यह 32% अधिक है। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 6 महीने में 29,00,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने बिजली बिल का भुगतान समय से किया है। जिसके बाद प्रधान सचिव ने कहा कि बिजली कंपनियों द्वारा राजस्व संग्रहण करने के लिए सभी बकायेदारों को लगातार नोटिस भेजा जा रहा है। बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बिल सुधार तथा बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है। बिजली कंपनियों के राजस्व संग्रह में 30% यानी 1,716 करोड़ का अभूतपूर्व उछाल आया है। एग्जाम पेपर में कश्मीर को बताया अलग देश। बिहार के किशनगंज जिले में कक्षा 7 की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर पर बवाल हो गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा ली गई परीक्षा में कश्मीर को अलग देश बताकर सवाल पूछा गया, जिसके बाद बीजेपी CM नीतीश कुमार पर भड़क गई। उन्होंने बीते दिन मंगलवार को अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है कि प्रश्न ही बताता है कि बिहार सरकार के सरकारी पदाधिकारी और बिहार सरकार कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानती है। इसका सबूत 7वीं कक्षा का बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का प्रश्न पत्र है, जो बच्चों के दिमाग में यह डालने का काम कर रहा है कि जिस प्रकार चीन, इंग्लैंड, भारत, नेपाल एक देश है, वैसे ही कश्मीर भी एक राष्ट्र है। एकता कपूर को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत। प्रोड्यूसर एकता कपूर को XXX वेब सीरीज मामले में पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल एकता और शोभा कपूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी, तब तक एकता कपूर को बेगूसराय कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। बता दें कि बिहार के बेगूसराय में एक पूर्व सैनिक ने एकता कपूर के खिलाफ केस किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि XXX वेब सीरीज के एक एपिसोड में सैनिक की पत्नी को लेकर दुर्भावनापूर्वक सीन दिखाए गए, जिससे पूरी सैनिक कम्युनिटी की भावनाएं आहत हुई है। जिसके बाद बेगूसराय कोर्ट ने पिछले महीने एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। पूरे बिहार में आज तेल के दाम। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, हाजीपुर, छपरा समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल बुधवार को महंगा हो गया है। हालांकि गया, पूर्णिया समेत कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम घटे भी हैं। राजधानी पटना में पेट्रोल के भाव में 30 पैसे और डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। भागलपुर में पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 19 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल के
दाम में 28 पैसे और डीजल में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज, जहानाबाद, भभुआ, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, नवादा, सासाराम, सहरसा, छपरा, शेखपुरा, सुपौल और हाजीपुर में भी तेल के रेट बढ़ गए हैं। मोकामा में उतरी बीजेपी की फौज। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सोनम देवी के लिए भाजपा के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। बीते दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, दरभंगा विधायक संजय सरोजी, बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार, बीहपुर विधायक कुमार शैलेंद्र, नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, भाजपा प्रवक्ता मनोज शर्मा और पूर्व मुंगेर सांसद वीणा देवी वोट मांगने मैदान में उतरी। बता दें कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1995 के बाद पहली बार भाजपा ने उम्मीदवार उतारा है। साथ ही राज्य में नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होकर महागठबंधन संघ सरकार बनाने के बाद विपक्ष में आई भाजपा परिवार पहली बार चुनाव मैदान में उतरी है। ऐसे में यह चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटने के बाद बोले सौरव गांगुली। मंगलवार को रॉगर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष बन गए। उन्होंने सौरव गांगुली की जगह ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि गांगुली दूसरे टर्म में भी अध्यक्ष बने रहना चाहते थे, लेकिन बोर्ड ने बाकी सदस्यों ने गांगुली का समर्थन नहीं किया। गांगुली को आईपीएल चेयरमैनशिप का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार किया था। वहीं पद से हटने पर जब गांगुली से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने बीसीसीआई में काम किया और इससे पहले बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष रहा। मैं एक प्रशासक के रूप में रहा हूं और इसमें आपको काफी योगदान देना होता है। मैंने अपना काम किया और आगे भी कुछ कर लूंगा। मैंने इसका आनंद लिया। आप हमेशा प्रशासक नहीं रह सकते और हमेशा क्रिकेट नहीं खेल सकते। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू कुमार, नीलू कुमारी, सदुल्लाह पलवी, आर के यादव, मोहम्मद नौशद राजा, सुदीश प्रसाद, पवन सिंह, भान प्रकाश मौर्य, के सिन्हा, रामदेव कुमार, सरिता पासवान, सिफोन कुमार, राजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, मुतुल रंगीला। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, स्कूल में फीस के बदले प्लास्टिक कचरा लेने का तरीका आपके अनुसार क्या दूसरे स्कूलों को भी अपनाना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।